टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के पहले सीएम के तौर पर शपथ ली। तेलंगाना देश का 29वां राज्य बन गया है। टीआरएस ने 119 सदस्यों की विधानसभा में 63 सीटें जीती हैं। के चंद्रशेखर राव के सीएम बनने के बाद राज्य में जश्न शुरू हो गया है। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बने टीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव। राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने दिलाई सीएम पद की शपथ। देश का 29वां राज्य बना तेलंगाना। मोदी की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी से युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं और युवा लगातार उनसे जुड़ता जा रहा है। पिछले चार दिन में पीएमओ के फेसबुक से 13 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं। इसमें आम आदमी के साथ साथ नामी ग्रामी हस्तियां भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बने टीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव को ट्वीट कर बधाई दी। अखिलेश ने डीजल के दाम बढ़ाने पर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि डीजल की कीमत बढ़ा दी गई है और आने वाले दिनों में लोगों को ऐसी बहुत सी चीजें देखनी होंगी। कानपुर देहात में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। यूपी में बदमाश कितने बेखौफ है इसका नजारा देखने को मिला। कानपुर देहात के थाना देवराहट इलाके में जहां दबंगों ने घर में घुसकर नाबालिग से गैंगरेप किया, इस जघन्य मामले में भी पुलिस का रवैया बेहद ढीला रहा। पुलिस ने पीड़िता का मामला दर्ज करने से ही मना कर दिया। हालांकि मीडिया के दबाव के बाद पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा। हमने खोल लिया, मनु ने मुंह पकड़ लिया, उसने बेइज्जती कर दिया, मनु लोगों ने बारिश बारे में बेइज्जती की। जैसे मजबूरी करी है ना, खेती पाती हो तो चल जाते ना, के गरीब जान के हमारे घर तीन तीन गुंडा को घुसे। ये बता कि सुन, घर पर आ गई तो घुस गई, इतनी हिम्मत पर के गुंडन की घुस रहे का मानी ना, हम तीन दाएंगे तो बोल कर हम तीनों दाई ना मानी। अब ये सभी जांच का विषय है। मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर को इस पूरे प्रकरण की 22 तारीख से लेकर के और रेप का मुकदमा पंजीकृत होने तक, इसमें जो भी पुलिसकर्मी दोषी होंगे, जिनके द्वारा भी जानबूझ के लापरवाही बरती गई होगी, जिनके द्वारा अभियुक्तों का बचाव करने की कोशिश की गई होगी, इन सभी बिंदुओं पर जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। आज जांच आख्या मिल जाएगी, उसके उपरांत ही संबंधित दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की। बदायूं गैंगरेप मामले में सियासत चरम पे है और लगातार नेताओं का बदायूं पहुंचना और पीड़ित परिवार से मुलाकात करना जारी है। आज केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान बदायूं पहुंचे हैं। वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। मोदी कैबिनेट के बाद बात करेंगे मांझी मंत्री परिषद की। बिहार की जीतन राम मांझी सरकार आज मंत्री परिषद का विस्तार करने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस विस्तार में 15 मंत्रियों को जगह दी जाएगी। शाम 4 बजे राजभवन में उन्हें पद एवं गोपनीय पद दिलाई जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 20 मई को शपथ ग्रहण के बाद कहा था कि जल्द ही वह अपनी मंत्री परिषद का विस्तार करेंगे। राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या के मुताबिक सरकार में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 36 हो सकती है। बिहार सरकार में वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत 18 मंत्री हैं। वहीं मंत्री परिषद विस्तार में कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। बिहार के सासाराम में बस हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल हैं। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया है। छपरा थावे पैसेंजर ट्रेन में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने यात्रियों पर चाकू से हमला किया है। इस हमले में 2 यात्री घायल हुए हैं। गुस्साए यात्रियों ने ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड को बंधक बना लिया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने जनता को लोकसभा में स्पष्ट जनादेश देने के लिए लाल परेड ग्राउंड में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में बीजेपी की अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नजमा हेपतुल्ला और खनिज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि मैं जनता की आभारी हूं जिन्होंने मुझे सेवा करने का मौका दिया। वहीं खनिज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो जनता से शालीनता से पेश आए ताकि जनता को एहसास हो कि अच्छे दिन आ गए हैं। इसी भोपाल में जन्म लिया, इसी भोपाल में पली बढ़ी, इसी भोपाल में शिक्षा ली, इसी मिंटो हॉल के कॉलेज में हमने पढ़ाई करी और आपने दोबारा से मुझे मेरे मायके से पार्लियामेंट में भेज दिया।
यह आम जन और आम कार्यकर्ता के अभिनंदन का कार्यक्रम है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ओर से आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बदायूं गैंगरेप और डबल मर्डर केस में बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में शामली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूंका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपराधियों के बुलंद हौसलों के लिए अखिलेश यादव के साथ साथ सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को भी बराबर का जिम्मेदार ठहराया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जो कार्यकर्ता है वो हमेशा से नारी का बहुत सम्मान करता है। आज हमारे प्रदेश में बदायूं के अंदर जो बहन बेटियों के निर्ममक सामूहिक बलात्कार कर करके उनकी हत्या करी गई है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि वह अगर हमारे प्रदेश को नहीं संभाल सकते, प्रदेश की देखभाल नहीं कर सकते, बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, वह तुरंत आज अपना इस्तीफा दे दे। यूपी के बदायूं में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती बदायूं पहुंची। हालांकि यूपी सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की हामी भर दी है, लेकिन मायावती इसका क्रेडिट खुद को दे रही हैं। बदायूं पहुंची बसपा प्रमुख मायावती ने मामले पर गहरी संवेदना जताई और दोनों परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। हमारी पार्टी के साथ साथ पीड़ित परिवार के इच्छा अनुसार इसकी सीबीआई से जांच कराने का यहाँ की सरकार के ऊपर कुछ हद तक जरूर दबाव पड़ सके, ये सोचकर मैंने वहाँ ये जाने का फैसला लिया। बदायूं मामले पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती का भी बयान आया है। उमा इस कांड के लिए सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को ही जिम्मेदार ठहरा रही हैं। उमा के मुताबिक सपा सुप्रीमो बलात्कारियों के बचाव में बोलते हैं, इसलिए राज्य में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। बहुत विकट हो गई थी क्योंकि इसमें जो गड़बड़ हुई है बड़ी वो ये है कि ऐसा नहीं कि घटनाएं और कहीं नहीं होती, लेकिन राज्य की सरकार कभी अपराधियों के बचाव में नहीं बोलती। मुलायम सिंह ने जिस प्रकार से निर्भया केस, जो मुंबई का निर्भया केस था, उसके बलात्कारियों को फांसी की सजा के बाद में जो प्रतिक्रिया दी थी, उसी का परिणाम है कि यहाँ बलात्कारियों के हौसले बढ़ गए। बदायूं में सांसद धर्मेंद्र यादव पीड़ित के घर पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी हालात में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने एक गलती की, इसीलिए उनको टर्मिनेट भी किया गया, 120 वीक के मुलजिम बना के उनको जेल भी भेज दिया गया। ये कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की गलती हो सकती है, इस पर्टिकुलर व्यक्ति की बात को किसी जाति या किसी सरकार की बात आप नहीं कह सकते, और उस पर्टिकुलर व्यक्ति पे तत्काल कार्रवाई कर दी गई। तो इस तरह की बातें मैं समझता हूँ जो भी करेगा उसके खिलाफ यूँ ही कार्रवाई होगी, जो आपने देखी है। अब ये केस सीबीआई के हाथ में जा चुका है, अब इसकी तो मैंने आपके माध्यम से भी मांगे, पीएमओ से, प्रधानमंत्री जी से, सीबीआई के लोगों से, कि जल्दी से जल्दी इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, ये हमारी मांग है आपके माध्यम से। अब कितने दिनों में करेंगे ये सीबीआई के लोग तय करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की बदायूं रेप कांड में सीबीआई जांच की मांग को बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। जोशी ने कहा कि जब प्रदेश के मंत्री की भैंस खो जाती है तो पूरा प्रशासन उसकी तलाश में जुट जाता है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के मामले में प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। बालिकाएं गायब रहे, उनकी खोज न की जाए, मगर मुझे याद आता है कि एक मंत्री की भैंस खो गई थी तो सारा प्रशासन उसके लिए खोजबीन में लग गया। इससे समझा जा सकता है कि महिलाओं को ये सरकार किस स्तर पर देखती। बदायूं की बर्बरता पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि बदायूं की घटना बेहद शर्मनाक है और आज की तारीख में प्रशासन और समाज दोनों में बदलाव की जरूरत है। मैं घोर निंदा करता हूं, बहुत दुखदायी है, बहुत दारुण है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सरकार को इस मामले में पूरी तरह मुस्तैद होना चाहिए, यानी सांप्रदायिक दंगे के मामले में और जो वीकर सेक्शन है उसकी रक्षा में।
गोरखपुर के जंगहा गांव क्षेत्र में एक युवती के साथ उसके गांव के ही कुछ बदमाशों ने बलात्कार किया। तीन बदमाश युवती को बंधक बनाकर रात भर उसकी अस्मत लूटते रहे और उसे जान से मारने की धमकी दी कि छूटने के बाद वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगी। पीड़िता जब अपने परिजनों के साथ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने गई तो पुलिस ने भी मामले को रफा दफा करना चाहा, लेकिन जब बात मीडिया में उठी तो पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। एक ग्राम बोहाबार है, ये जगह थाना क्षेत्र में पड़ता है। प्राप्त सूचना मिली थी कि एक बच्ची है, उसके साथ जो है वो बलात्कार की बात प्रकाश में आई थी, तो तुरंत मौके पे थाना अध्यक्ष आए और जो बात की गई उसके आधार पे ये निकल के आया कि ऐसी घटना हुई है। तो तीन अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया है, तीनों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया गया। मुगलसराय में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में बिजली समस्या पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। अखिलेश ने कहा कि अगर केंद्र उन्हें 1.5 साल तक बिजली उधार दे दे तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी और इसका उधार भी वो 2016 में चुका देंगे। पुरानी सरकार ने 9 MOU किए थे, उसको हमने आगे बढ़ाया, समय दिया। कोयला न होने की वजह से जो उत्पादन ज्यादा होना चाहिए था नहीं हो पाया है और जो हमारे कारखाने उत्तर प्रदेश में लगने चाहिए थे वो भी नहीं लगे हैं। पुरानी सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। अब तो मैं समझता हूँ नई सरकार है, MOU साइन है, मैंने पत्र लिख करके भी केंद्र सरकार को भेजा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी है तो हम तो चाहेंगे 1.5 साल जब तक उत्तर प्रदेश में उत्पादन ना बढ़े, कोयला ना मिले, वो बिजली उत्तर प्रदेश को भी दे दें, क्योंकि जितनी हम दे पा रहे थे आज जनता ज्यादा चाहती है, जितनी दे पा नहीं दे पाए इसी वजह तो जनता हमसे नाराज रही। वाराणसी में बिजली कटौती के खिलाफ 5 दिन से अनशन कर रहे बीजेपी विधायक श्यामदेव राय चौधरी को सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने वार्ता के लिए बुलाया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का संदेश लेकर आज वाराणसी के जिलाधिकारी प्रांजल यादव राय चौधरी से मिले और बिजली आपूर्ति सुधार के आश्वासन के बाद विधायक लखनऊ जाएंगे। विधायक ने उम्मीद जताई है कि मुलाकात के बाद बिजली कटौती में मुक्ति मिलेगी। हम उम्मीद पर बैठे हैं कि 24 घंटे बिजली दिलाने के इरादे से, अब देखते हैं वहाँ जाने पर ही पता होगा क्या होगा नहीं होगा। तब तक हमारा यहाँ एक प्रतीक अनशनकारी नरसिंह दास बाबा उर्फ बाबा जो सभासद हैं उनको हम बैठा के जा रहे हैं। सहारनपुर के बीजेपी सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सिटी कोतवाली का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। सांसद का आरोप है कि सिटी कोतवाली पुलिस सत्ता पक्ष के लोगों के साथ मिलकर मनमानी कर रही है। राघव लखनपाल ने सिटी कोतवाली प्रभारी विष्णु चंद्र गौतम पर रिश्वत लेने का भी गंभीर आरोप लगाया है। जब हम इससे पूछते हैं कि आपने उसको किस अपराध में बंद किया है तो कहते हैं शांति भंग करने के अपराध में। मैंने कहा उसको छोड़ो, उसका कोई अपराध नहीं है, वो वहां से गुजर रहा था, उल्टा उन लोगों को पकड़ो जो कब्जा करने गए थे, लेकिन उनका उनके खिलाफ इनके पास कार्रवाई करने के लिए कोई समय नहीं है, क्योंकि इनका काम ये है कि बेगुनाह जनता का उत्पीड़न करना। अब हमने ये तय कर लिया है कि अब हम यहां से तभी उठेंगे जब कोतवाल यहां से उठ के जाएगा और जब इसको यहां से निलंबित किया जाएगा, तब तक हम यहां से उठने वाले नहीं है। आगरा के एतमादउद्दौला थाना क्षेत्र के एक महिला को कुछ दबंगों ने पिटाई कर दी, जिसके बाद महिला बेहोश हो गई। महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। महिला के बेटे को भी दबंगों ने पिटाई कर दी, इसके बाद महिला के बेटे ने आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने मामले में महिला को मृत बता दिया था, लेकिन महिला जिंदा है। कार्रवाई थी वो नहीं की गई। आज महिला की सुबह डेथ हो गई थी, SN मेडिकल के अंदर उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उनके लड़के ने सुसाइड कर लिया। प्रथम दृष्टिया जो इनकी शिथिलता लापरवाही पुलिसकर्मियों की है, तो दोनों चीता मोबाइल और ट्रकिंग इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जा रहा है। शामली में एक ठेकेदार के खिलाफ बच्चों से मजदूरी कराने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। विधायक निधि से बन रहे तालाब में घटिया सामग्री तो इस्तेमाल हो ही रही है, साथ ही नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ भी किया जा रहा है। मामले का पता चलने पर SDM सुरेश मिश्रा ने जांच की और मुकदमा दर्ज किया।